तो आपने अगर नर्सिंग के लिए अप्लाई करनी है, अगर आपका नर्सिंग का डिप्लोमा है या मिडवाइफरी का डिप्लोमा है, तो अगर आप कमीशन ट्रेन नर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसकी सैलरी 50,000 से 80,000 के दरमियान है, तो आपने इसमें अप्लाई किस तरह करनी है? अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज आप जॉइन पाक आर्मी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम जो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है जी। आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखे जी शॉर्ट कोर्सेज भी, सोल्जर भी, जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना है। अभी हमने करने हैं आर्मी नर्स सर्विस पे, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है सी डिटेल पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सी डिटेल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है ना मिल जाएगी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगर आप ट्रेन नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर मैं इसकी एज की बात करता चलूँ तो इसकी एज होनी चाहिए 18 से 28 के दरमियान। और इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, दोनों ही अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा फीमेल जो भी इसमें अप्लाई करेगी उनकी 5 फीट जो उनकी हाइट होनी चाहिए और उसका जो बॉडी मास होगा वो एज पर इंडेक्स के मुताबिक होगा, तो उसमें अप्लाई कर सकेगा। उसके अलावा तमाम तर सिटीजन जो पाकिस्तानी गर्ल्स हैं जिन्होंने नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपके पास अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक करना चाहें तो यहाँ पे इस कंडीशन भी इधर मिल जाती है। आपके पास BS नर्सिंग 4 ईयर्स का प्रोग्राम होना चाहिए या 3 ईयर्स नर्सिंग डिप्लोमा जिसके साथ 1 ईयर का मिडवाइफरी प्रोग्राम होता है उसके साथ है, तो अभी आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई किस तरह करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जॉइन नाउ पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप जॉइन नाउ पे क्लिक करेंगे इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप करना है, यहाँ पे ASRC आपने सेंटर सेलेक्ट करना है, अपना करीबी तरीन, तो मैं यहाँ पे मुल्तान सेलेक्ट करूँगा, आप अपना करीबी तरीन सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो किस तरह सेलेक्ट करनी है? आपने एज कम करनी है, इधर क्लिक करते जाना है, ठीक है जी। यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर मेरी ये एज है तो मैं यहाँ पे 2002 पुट कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, आपने प्लेस ऑफ डेथ बतानी है कि किस जगह पे आपकी तरीके पैदाइश है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNEC नंबर लगाना है, जो आपका CNEC नंबर होगा यहाँ पे आपने CNEC नंबर पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी मादरी लैंग्वेज बतानी है कि अपनी मतलब कि आपकी जो मादर टंग है वो कौन सी है, तो उर्दू है या उर्दू, जो भी आपने यहाँ पे वो मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना बताना है जेंडर, इसमें सिर्फ फीमेल सेलेक्ट अप्लाई कर सकते हैं तो आपने सेलेक्ट करना है फीमेल। उसके बाद मैरिड स्टेटस, मैरिड एंड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है कि आपका मजहब कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे अपना सेक्ट बताना है कि आपका कौन सा है, सुन्नी, शिया, अहले हदीस, बरेलवी, जो भी होगा यहाँ पे मेंशन कर देना है, अदर इसके अलावा है तो आपने अदर पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी कास्ट बतानी है, जो आपकी कास्ट होगी तो वो कास्ट आपने यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद यह आ जाता है सब कास्ट, तो आपने यहाँ पे सब कास्ट भी, मैं यहाँ पे इसी को ही कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपने वही इधर कॉन्टैक्ट नंबर पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना एक्टिवेटेड ईमेल आप देंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करेगा वो अपना ही कॉन्टैक्ट जीमेल यहाँ पे उनको प्रोवाइड करेगा, ताकि फर्दर कोई भी कॉन्टैक्ट अगर ईमेल के थ्रू किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस कैंडिडेट्स, ये मीन कि अगर आपने इससे पहले कभी अप्लाई किया है तो बताना है, अदरवाइज यहाँ पे नेवर अप्लाइड बिफोर पे क्लिक कर देना है कि आपने इसमें पहले कभी नहीं अप्लाई करी, फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करें। उसके बाद वे कहता है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम 300 KB की JPG या JPEG फॉर्मेट पिक्चर अपलोड करें, तो यहाँ पे आप अपलोड इमेज इस पर क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर दी फाइल, तो यहाँ पे देखिए आपकी पिक्चर जो होगी यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी एड्रेस, आपने एड्रेस बताना है, यहाँ पे अपना सूबे का नेम बताना है, उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम बताना है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे तहसील बतानी है, उसके बाद यहाँ पे अपना डोमिसल मेंशन कर देना है कि आपका डोमिसल कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे आप देहात से बिलोंग करते हैं या शहर से वो बताना है, उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्टल कोड आपने बताना है। इनकेस अगर आपको पोस्टल कोड नहीं पता तो आपने मुल्तान के तमाम तर सिटी के अगर पोस्टल कोड लिखने हैं तो आपने यहाँ पे मुल्तान पोस्टल कोड लिखेंगे तो मुल्तान के नियर बाई तमाम तर सिटी के यहाँ पे पोस्टल कोड मिल जाते हैं। जैसे कि न्यू मुल्तान है मेरा, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर दूंगा ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अपना आप CNEC वाला एड्रेस पुट करेंगे, ये एड्रेस पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी अगर आपका सेम है तो इसको यहाँ से कॉपी करके आपने इधर पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एजुकेशन डिटेल ऐड करनी है। उसको ऐड किस तरह करेंगे, आपने ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये आपका ऐड एजुकेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करनी है आपकी क्वालिफिकेशन, आपने मैट्रिक से सेलेक्ट कर दी जानी है, मेरी मैट्रिक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा मैट्रिक साइंस, मेंशन कर देना साइंस या आर्ट्स। उसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल का नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे अपने पासिंग ईयर बतानी है कि आपकी
जो क्या कहते हैं मैट्रिक के कौन से ईयर के वो सिलेक्ट किए, उसके बाद आपने रोल नंबर बताना है, उसके बाद यहाँ पे अपनी डिवीजन बतानी है, उसके बाद यहाँ पे अपने ग्रेड बताने हैं, उसके बाद यहाँ पे अपनी परसेंटेज बता दी, उसके बाद रिजल्ट बताना है कि पास, उसके बाद यहाँ पे अपने क्वालिफिकेशन ग्रुप बताना है, साइंस है आर्ट्स है ह्यूमैनिटीज है वो लिखने हैं इधर, उसके बाद यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स बताने हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे मैट्रिक में और ऑब्टेन कितने मार्क्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे अपना बोर्ड का नेम बताना है कि किस बोर्ड से आपकी मैट्रिक है, उसके बाद आपने बस सर्टिफिकेट नंबर बताना जो कि आपके रिजल्ट कार्ड में मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपके रिजल्ट कार्ड में मिल जाता है, आपने वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही इधर लगाने हैं। उसके बाद क्या करना है ये फॉर्म फिलअप हो गया, आपने ओके पे क्लिक करना है तो ये आपका ऐड हो जाएगी, यहाँ पे देखिए जी मैट्रिक ऐड हो चुका है। इसी तरह से आपने जो है ना FSC की भी एड एजुकेशन पे करेंगे तो इसी तरह से इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अगर कोई स्पोर्ट्स एंड गेम आपके है या ऐड पे क्लिक करेंगे, स्पोर्ट्स का नेम लिखेंगे, कौन से स्कूल में या नेशनल लेवल पे हिस्सा लिया था वो बताना है, कितने साल खेला वो बताना है, पोजिशन कौन सी थी ये बतानी है, अगर नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना, ये कंपलसरी नहीं फिलअप करना, ठीक है जी। उसके बाद आप जाता है नेशनैलिटी डिटेल्स, तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर देना, अगर अदर है तो अदर सिलेक्ट करना। उसके बाद पासपोर्ट डिटेल को आप स्किप कर देंगे, आपने पासपोर्ट की डिटेल यहाँ पे नहीं पुट करनी वो आपकी बात है। उसके बाद कोचिंग अकेडमी डिटेल, एवर ज्वाइन कोचिंग अकेडमी आपने नो कर देना, अगर आपने कोचिंग जो ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी किया अगर ज्वाइन किया तो यस कर देना, नो पे क्लिक कर। तो यहाँ पे आप जो है ना एजुकेशन की कंप्लीट फिलअप कर देते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है ना इजीली आ जाए, जो आपको मैं समझा सकूं, क्योंकि इसको फिलअप किए बगैर हमारा नेक्स्ट स्टेप नहीं आएगा। उसके बाद ये स्कूल का नेम लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने पासिंग ईयर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया मैं मेरा मैंने, उसके बाद यहाँ पे आपकी डिवीजन आ गई, उसके बाद आपने यहाँ पे इसका ग्रेड मेंशन करना, उसके बाद आर यू सर्विंग सोल्जर, क्या आपके अभी जॉब है सोल्जर की, तो अगर है तो यस का देना, नो पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बतानी है, उसके बाद रिजल्ट पास हो गया, उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रुप मेरा ह्यूमैनिटीज है तो यहाँ पे आर्ट्स, यहाँ पे मेरा साइंस है तो मैं यहाँ पे साइंस कर दूंगा, आपने प्री मेडिकल लिख देना इसे। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स आपने बताने हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखना है, उसके बाद आपने ओके करना है, ये ऐड होगी। इसी तरह से आपने अगेन एजुकेशन पे क्लिक करना है, अब यहाँ पे अपनी जो आपका डिप्लोमा है वो यहाँ पे मेंशन करना है, प्रोफेशनल डिग्री सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन कर सकते हैं, बैचलर डिग्री है तो बैचलर, यहाँ पे बैचलर सिलेक्ट कर दी, यहाँ BS ऑनर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे BS ऑनर्स, BS ऑनर्स नर्सिंग वो भी सिलेक्ट की, यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, उसके बाद पासिंग ईयर बताना है, उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर बताना है आपने क्लास का, उसके बाद यहाँ पे ग्रेड मेंशन करना है, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज बतानी है, उसके बाद रिजल्ट स्टेटस पास, उसके अलावा आपने CGPA बतानी है 3.54 जो भी है, उसके बाद यहाँ पे स्लैश, उसके बाद यहाँ पे आपने इंस्टीट्यूशन अपनी यूनिवर्सिटी, आपको ये स्टडी किस टाइप के कराई गई थी, इंग्लिश में कराई गई थी या उर्दू में कराई गई थी वो सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने सर्टिफिकेट नंबर पुट करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर करके ओके करना है, ओके कर दिया, तीनों आपने क्वालिफिकेशन ऐड कर दी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो कहता है कि ये मैंडेटरी फील्ड शुड बी फील्ड, तो कोई एक स्टेप तो हमसे ना फिलअप होगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड गेम्स का आपने ओपन करना है, इसको यहाँ पे देखे जी फिलअप लाजमी करना है, तो आपने स्पोर्ट्स क्या लिख देना क्रिकेट, उसके बाद आपने जो प्लेड किया है कॉलेज स्कूल आपने यहाँ पे लिख देना है, अगर आपका नेशनल लेवल का नहीं है तो आपने स्कूल पे क्लिक करा, उसके बाद डिस्टिंक्शन इफ एनी इसको निल निल कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स प्लेड जितने साल भी आपने खेले है वो मेंशन करना है, उसके बाद पोजीशन 0, ठीक है जी। अब यहाँ पे दी पोजीशन इन टीम फील्ड में ओनली कंटेन अल्फा बेटक, तो यहाँ पे हम निल कर देते हैं, उसके बाद आपने ओके करना है, ये ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है, अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पे आ जाता है जी फैमिली इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है, यहाँ पे फादर की डिटेल पुट करनी है, फिर अपनी मदर की डिटेल पुट करनी है, फिर आपने पेरेंट मैरिटल स्टेटस फिलअप करना है, किस तरह ऐड करना है, फर्स्ट अपने वाले से आपका नेम लिख दिया, उसके बाद वाले से आपका अपने CNEC नंबर लिख देना है, ठीक है इधर, उसके बाद आपने उनका ऑक्यूपेशन बताना है, फार्मर है जो भी है यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, कोई भी है यहाँ पे प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट जॉब सेलेक्ट करेंगे, प्रोफेशन है लेबर तो यहाँ पे लेबर में करेंगे, उसके बाद उनका आपने
फादर की एजुकेशन बतानी है, उसके बाद उनकी इनकम बतानी है आपने, उसके बाद आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है अपने वाले साहब की, ठीक है जी। इसको सिलेक्ट करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करने जाएंगे माउस के थ्रू, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इसको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर दिया वाले साहब की, उसके बाद यहाँ पे अपनी वाले साहब की कंडीशन बतानी है कि अलाइव है या डिसीज्ड है। उसके बाद अपनी वालदा का नेम लिखना है, सेम उसी तरह से आपने जैसे कि वाले साहब का डेटा फिलअप किया इसी तरह से इनका भी डेटा फिलअप करना है। उसके बाद आपने इसकी कैटेगरी बतानी है, हाउस वाइफ है तो आपने यहाँ से हाउस वाइफ सेलेक्ट कर देना है अपनी वालदा का, ठीक है जी। यहाँ पे हाउस वाइफ आ गया। उसके बाद उनका प्रोफेशन आपने इधर मेंशन कर देना, हाउस वाइफ। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने वालदा की एजुकेशन बतानी है, कितनी पढ़ी लिखी है वो बतानी है। उसके बाद आपने उनकी सैलरी बतानी है, अगर नील है तो लेस देन 50 के आपने मेंशन कर देना है। उसके बाद अपनी वालदा की यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है जी। यहाँ पे हम इधर अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है जी। 1980 लिख देता हूँ मैं। उसके बाद ये आपने वालदा की कंडीशन बतानी है, डिसीज्ड है, अलाइव है। उसके बाद पेरेंट मैरिटल स्टेटस है कि मैरिड है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिबलिंग अलाइव डिसीज स्टेप ऐड करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं ऐड करना चाहते तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाते हैं ब्रॉटअप डिटेल्स, कि आपकी पैदाइश मतलब कि आपके अखराजात किस तरह किसने किया, आपकी परवरिश किसने की। तो जिसने भी आपकी परवरिश की तो आपने यहाँ पे यस कर देना है कि आपकी परवरिश आपके वालदैन ने की। उसके बाद वालदैन की इनकम बता रहे हैं, फादर की इनकम यहाँ पे मैंशन कर दी, ठीक है जी। अदर सोर्सेज फ्राम इनकम अगर है तो मैंशन कर देना, तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद फैमिली टोटल इनकम आपने ये मैंशन करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी डिटेल्स बतानी है, हाउस शॉप लैंड प्लाट ये लाजमी आपने ऐड करनी है। ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर देंगे अगर आपके पास सिर्फ घर है तो। उसके बाद प्रॉपर्टी साइज ये मेंशन करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ पे ओन पे क्लिक करके ओके करना है, ठीक है जी। ओके कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फैमिली इनकम ऐड कर दी। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है आर्म फोर्स ट्रेनिंग हिस्ट्री, हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी नेवी, अगर आपने कोई भी पाक नेवी ज्वाइन की है तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री, तो आपने अगर यस है तो नो यस कर देना, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपने कोई जांबाज फोर्स, मुजाहिद फोर्स या फ्लाइंग क्लब या स्कॉटक में जॉब किया है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपने बताना है, उसको किस तरह ऐड करना है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी जो कंपनी होगी वो कंपनी का मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट डेजिग्नेशन का नेम मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी सैलरी बतानी है, ठीक है जी। सैलरी बताने के बाद आपने टोटल सर्विस ड्यूरेशन 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी है वो मेंशन कर देना है, ठीक है जी। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 ईयर। उसके बाद रीजन ऑफ लीविंग जॉब नील, कि आपने जॉब क्यों छोड़ी आपने नील कर देना है। कि उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाते हैं स्टिपेंडरी डिटेल, आर यू स्पेंडरी ऑफ एनी गवर्नमेंट प्राइवेट फर्म, तो आपने यस कर देना है या नो कर देना, वो आपकी डिपेंड रही, तो आपने यहाँ पे नो पे कर देना है, ठीक है जी। मतलब कि आपके जो आर यू स्टेपेंडरी मतलब कि आपके जो खर्चा थे गवर्नमेंट या प्राइवेट फर्म तो नहीं कर रहा, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक कर दिया। उसके बाद डेबिट फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल, वर यू एवर डेबिट फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एदर जनरली फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, आपने तो यहाँ पे इसको नो कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप यस करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स होगी वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, उसकी सर्टिफिकेट भी। उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री आपने बतानी है, कि आपने किसी फॉरेन कंट्री में या अब्रॉड में कोई ट्रैवल किया है तो बताना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको हॉस्टल की ज़रूरत है या नहीं तो आपने वो बताना है, मेल्स को हॉस्टल की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ पे हॉस्टल मेंशन करेंगे। हॉस्टल कितने साल के लिए चाहिए, ठीक है जी। टोटल इंटर टोटल ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे, तो जित होल कैरियर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, होल कैरियर। एज एट स्टार्ट, जिस आपकी उम्र अभी कितनी है वो आपने मेंशन करनी है, 24। एज एट द एंड 40। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में बताना है, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ इल्म है तो बताना है, जैसे कि लेस फैमिलियर, मॉडरेट, गुड, जो भी कंडीशन में आपके आता है तो वो यहाँ पे मैनेज करना है। उसके बाद आपने डेस्कटॉप डिटेल बतानी है अपनी कंप्यूटर की, मतलब कि अपना जो लैपटॉप आपका होगा तो उसकी डिटेल बतानी है, कि आपका मॉडल कौन सा, प्रोसेसर कौन सा, जनरेशन कौन सा, ग्राफिक कौन सी है ये बताना है। राइट अबाउट नेम, मॉडल, प्रोफेसर सॉरी प्रोसेसर, जनरेशन, ग्राफिक्स कार्ड, ये इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको लैपटॉप की डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल की डिटेल देनी है, मोबाइल का नेम क्या है, प्रोसेसर कौन सा, जनरेशन कौन सी है। उसके बाद अगर टैबलेट है तो उसकी डिटेल
रजिस्ट्रेशन क्या डेट क्या है वो ये आपने बताना है। ये बताने के बाद आपने यहाँ पे वो कहता है कि द लैपटॉप डिटेल्स मे नॉट बी ग्रेटर देन 30 करेक्टर, तो हम इसको 30 करेक्टर तक रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सोशल मीडिया डिटेल पुट करनी है। यहाँ पे मैं बताऊंगा अपना जैसा कि फेसबुक अकाउंट, स्क्रीन टाइम कितना है 2 घंटे 2 आवर्स, जो दिन का होगा 24 घंटे का वो बताना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अकाउंट नेम बताना है, जो अकाउंट नेम होगा वो यहाँ पे मैं लिख के आपने ओके कर देना है, ऐड कर दिया। उसके बाद साइबर एक्सपीरियंस अगर आपका है साइबर बुलिंग का तो यहाँ पे बताना है, डिस्क्राइब इफ यू वर एवर फेस्ड आर वर इन्वॉल्व इन साइबर बुलिंग, अगर है तो यस अदरवाइज नेल, उसके बाद है तो यस अदरवाइज को भी नेल, साइबर हैकिंग अगर कोई है तो बता नहीं अदरवाइज को भी नेल कर देना। उसके बाद मेडिकल डिटेल भी, योर मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड करंट ऑफ योर प्रीवियस यूजेज ऑफ एनी मेडिसिन आर बीइंग अंडर ए मेडिसिन ट्रीटमेंट, तो आपने इसको भी नेल कर देना है। जिसको अगर कोई बीमारी है, हाइपरटेंशन होगी, एंग्जिटी होगी, उसके बाद डिप्रेशन होगी तो उसके बारे में बताना है, तो रात को कुछ भी बीमार नहीं है तो आपने नेल करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये आ जाते हैं अदर डिटेल में, स्विमिंग प्रोफिशिएंसी अगर आपको स्विमिंग आती है तो बताना है अदरवाइज कैन नॉट स्विम, पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एवर इवॉल्व्ड इन क्रिमिनल तो आपने नो कर देना है। उसके बाद स्मोकिंग हिस्ट्री अगर आप है तो यहाँ पे बताना है अदरवाइज आपने नील कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने हॉबीज का नेम बताना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिकेट। उसके बाद व्हाट करियर विल यू अडॉप्ट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन आर्मी, तो आपने वो मेंशन कर देना है अपनी मर्जी के मुताबिक। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो अबव कोड होंगे ये आपने इधर कोड पुट करने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे इंटर द अबव मेंशन टेक्स्ट हियर टू वैलिडेट द फॉर्म, कैपिटल जेड स्मॉल डी टू MP, ये फॉर्म आपका फिलअप हो गया। सेम इसी तरह से आपने फॉर्म फिलअप करा तो सिंपली आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये है आर्मी ट्रेंड नर्सिंग में अप्लाई करने का तरीका। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहती हैं, आपके पास नर्सिंग का डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप अप्लाई करनी है सेम इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।